So today we will start our next topic of our unit third, that is optical network. Optical network ये जो हमारा third unit है, उस third unit का next topic हमारा SONET network. SONET मतलब synchronous optical network, जिसके बारे में हमने last के कुछ lectures में देखा है. SONET network क्या रहता है, network कैसे बना होता है, उसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सब हमने देखा था. ओके, अभी सोनेट नेटवर्क जो है उसको और हम थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे उसका जो नेक्स्ट पार्ट है. सोनेट इक्विपमेंट इन कॉम्बिनेशन विद एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर अलाउ डिस्टेंस स्विचिंग नोड्स टू बी कनेक्टेड बाई ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म अ सोनेट नेटवर्क. देखो हमारे जो नेटवर्क रहते हैं उस नेटवर्क में एसटीएस मल्टीप्लेक्सर रहता है, रिपीटर्स रहते हैं, उसके बाद एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर रहता है, एयरड्रॉप डी मल्टीप्लेक्सर रहते हैं, ठीक है. डिफरेंट जो ऑप्टिकल कैरियर्स रहते हैं, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल जिसके अंदर से ऑप्टिकल डेटा, ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है, वो ऑप्टिकल सिग्नल हमारा डिजिटल डेटा ट्रांसमिट करता है. उसके फ्रेम होता है, उसके बाद जो डिफरेंट डेटा रहता है वो फ्रेम के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है. ओके, तो ये सब हमने देखा था हमारे लास्ट के कुछ लेक्चर्स में. तो जो हमारा सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक रहता है सोनेट नेटवर्क का, ठीक है, तो उसमें एक जो डिफरेंट सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल रहता है, STS-1, STS-2, STS-3, STS-192 तक, तो वो डिफरेंट मल्टीप्लेक्सर को कनेक्ट होते हैं. मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट फिर रिपीटर को, रिपीटर का आउटपुट फिर एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर को कनेक्ट होता है. तो वो जो एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर रहते हैं, उस एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर को हम ट्रिब्यूटरीज का यूज करके डिफरेंट जो डिफरेंट नेटवर्क रहते हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं हम. ओके, ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या, जो सब नेटवर्क रहते हैं उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे मेन नेटवर्क को, इट इज सोनेट नेटवर्क को. और वो कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, हम एड और ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर को. एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर एसटीएस सिग्नल को एड भी कर सकता है, या उसको अगर रिजेक्ट करना रहा, ड्रॉप करना रहा, तो ड्रॉप भी कर सकता है. तो कौन से सिग्नल अलाउ करना है रिसीवर को भेजना है, या कौन से सिग्नल रिसीवर को नहीं भेजना है, मतलब ड्रॉप करना है, ये एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर डिसाइड करता है, ठीक है. जनरली सोनेट नेटवर्क का रिंग टोपोलॉजी का होता है, जैसा उसकी फिजिकल रिंग टोपोलॉजी यहाँ पे बताया है. ईच पेयर ऑफ नोड इज कनेक्टेड डायरेक्टली बाय एन एसटीएसएन ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरी मतलब सब नेटवर्क रहता है जो हम मेन नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं. सो द थ्री नोड्स शोन आर लॉजिकली कॉन्फिगर्ड विद फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी. देखो यहाँ पे ये एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर होते हैं, और डिफरेंट एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर को हमने ये ऑप्टिकल कैरियर का यूज करके कनेक्ट किया है, और एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर से फिर हम किसी भी सिग्नल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं, और उसको ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेज सकते हैं. ओके, द अप्रोच ऑफ एडिंग और ड्रॉपिंग द ट्रिब्यूटरीज अलाउज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हैविंग आर्बिट्री लॉजिकल टोपोलॉजीज विद आर्बिट्री लिंक ट्रांसमिशन रेट. The configuration can also be done using software control. Software का control करके भी हम signal को add or drop कर सकते हैं, ठीक है. So to provide a fully recovery system, Sonet network use two path between any two nodes in the ring. ये दो path हमें provide कर सकता है generally. अब ये दो path कैसे होते हैं, ये ऐसा होता है, यहाँ पे add drop multiplexer हमने क्या किया, fiber optic cable से connect किए हैं. Okay. तो जनरली ये रिंग टोपोलॉजी में, रिंग में जब हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है एक एडीएम से दूसरे एडीएम तक, तब सपोज कोई फाइबर ऑप्टिक लिंक फेल हो गई, तो दूसरी फाइबर ऑप्टिक लिंक एक स्टैंडबाय के लिए हम यूज करते हैं. एक लिंक से डेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है, दूसरी लिंक से डेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से फ्लो होता है. ओके, अगर सपोज कोई लिंक फेल हो गई बीच में, कोई फाइबर ऑप्टिक केबल अगर ब्रेक हो गया या फेल हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्रेक होता है तो रिंग्स जो होते हैं वो रिंग रैप होते हैं, और वहां से फिर ये ऐसा कनेक्शन हमें मिलता है, हमारा पूरी जो टोपोलॉजी वो ब्रेक नहीं होती, ठीक है. तो ऐसा हमें ये कनेक्शन यहाँ पे दो जो हमारे नेटवर्क वो रैपअप होते हैं, और रैपअप होने के बाद हमारा कनेक्शन से या ट्रांसमिशन ऑफ डेटा कंटिन्यू रहता है. ओके, तो रैपिंग ऑफ रिंग व्हेन फॉल्ट ऑकर, फॉल्ट अगर ऑकर हो गया तो रिंग का रैपिंग होता है, जैसे यहाँ पे दिया है, रिंग का रैपिंग होता है, और हमारा जो ट्रैफिक है, मतलब डेटा है, वो डेटा फ्लो जो होता है वो कंटिन्यू रहता है, ट्रैफिक कंटिन्यूस टू फ्लो. ओके, सो ये अरेंजमेंट उसमें रहती है. उसके बाद उसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं सोनेट नेटवर्क के.
SONET can be used as carrier for ISDN and broadband ISDN. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क जो रहता है ISDN, उसमें ये सोनेट नेटवर्क का आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं. सोनेट कैन बी यूज एज ए कैरियर फॉर असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड ATM सेल, ये असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड रहता है उसमें भी यूज़ करते हैं ये. इट इज़ यूज फॉर एप्लीकेशन विच प्रोवाइड ब्रॉडबैंड, मतलब ज़्यादा बैंडविड्थ, विच प्रोवाइड बैंडविड्थ ऑन डिमांड. अगर ज़्यादा हम डिमांड की ज़्यादा बैंडविड्थ की, तो जहाँ पे हम बैंडविड्थ की डिमांड करते हैं ज़्यादा बैंडविड्थ की, ऐसे सर्विसेज में भी हम सोनेट नेटवर्क यूज़ करते हैं. उसके बाद इट कैन बी यूज टू रिप्लेस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल. नेटवर्क के कुछ प्रोटोकॉल जो रहते हैं वो रिप्लेस करने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं. स्विच, मल्टी मेगाबाइट डेटा सर्विस और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस FDDI, ये डिफरेंट क्या है, सर्विसेस है, प्रोटोकॉल्स है जो हम रिप्लेस कर सकते हैं सोनेट का यूज़ करके. सोनेट कैन बी यूज टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग T1 एंड T3 लाइन्स. ये हमने डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम सब्जेक्ट में पढ़ा है T1 कैरियर सिस्टम क्या होती है, जिसको PCM TDM सिस्टम भी बोलते हैं. ओके देखो अब ये मेन ये नोट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट है, देखो मैं पढ़ता हूँ. अ लॉट ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैव ऑलरेडी बीन लेड डाउन all over the world without any common protocol. Most of these cables are not being utilized to their fullest capacity. All these networks can be combined together using SONET protocol. पूरी दुनिया में फाइबर ऑप्टिक केबल का एक नेटवर्क है, डिप्लॉयमेंट हुआ है, तो ऐसा कोई भी एक कॉमन प्रोटोकॉल नहीं है कि जिस प्रोटोकॉल का यूज करके हमने पूरे दुनिया में फाइबर ऑप्टिक केबल का नेटवर्क बनाया है, इस्टेब्लिश किया है या डिप्लॉयमेंट किया है. ओके तो ऐसा कोई भी नेटवर्क नहीं जो फाइबर ऑप्टिक केबल का फुल्ली यूटिलाइजेशन करता है. हम सोनेट का यूज करके कौन सा भी नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, और जितना उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन हो सकता है फाइबर ऑप्टिक केबल का नेटवर्क का, उतना हम सोनेट नेटवर्क से अचीव कर सकते हैं. ओके तो नेक्स्ट है हाई बिट रेट सर्विसेस, जिसको STS मल्टीप्लेक्सिंग भी बोलते हैं. आपको मालूम है कि STS1, STS2, STS3, STS4, ऐसे STS192 तक हमारे सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल रहते हैं. STS1 का स्पीड जो रहता है 1. हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था स्पीड, वो 51.84 MBPS इतना रहता है स्टैंडर्ड, और वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक रहता है हमारे सोनेट नेटवर्क का. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब ये स्मॉलेस्ट है, इससे कम नहीं होता कुछ भी, तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है. तो ऐसा सपोज हम उसके ऑर्डर अगर बढ़ाते गए STS की, सपोज STS2 अगर हमने लिया, STS2 में जो बिट रेट रहता है वो डबल रहता है, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं. 90 STS1 में रहते हैं, तो STS2 में 90x2 मतलब 180 कॉलम्स रहते हैं, तो स्पीड बढ़ता है. ठीक है, तो अगर सपोज हमें हाई स्पीड सर्विसेज अगर अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ STS, सिंगल STS का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है या सिंगल STS का जो सर्विस है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड लाइन डिजाइन कर सकते हैं. देखो यहाँ पे 3 लो बिट रेट STS1 सिस्टम है. लो बिट रेट मतलब STS1 की सबसे कम स्पीड रहती है. कौन से नेटवर्क में, सोनेट में. तो STS1, STS1 और STS1, ऐसे 3 STS1 सपोज अगर हमने मल्टीप्लेक्सर में कंबाइन किए, मल्टीप्लेक्स किए, तो इसके आउटपुट में हमें STS3 सिग्नल मिलता है, और STS3 सिग्नल का जो स्पीड रहता है वो STS1 के 3 टाइम्स ज़्यादा रहता है. तो हाई बिट रेट STS3 सिस्टम हमें यहाँ पे मिलती है. सो इफ़ यू कंबाइन 3 STS1 सिग्नल, मींस यू मल्टीप्लेक्स 3 STS1 सिग्नल, देन यू कैन गेट STS3 सिग्नल. सिमिलरली इफ यू कंबाइन द 10 STS1 सिग्नल, यू विल गेट STS10 सिग्नल. तो जितने STS1 सिग्नल को आप मल्टीप्लेक्स करते हो उतना उसका एडिशन होता है और हमें हायर ऑर्डर का STS सिग्नल मिलता है जिसकी स्पीड ज़्यादा रहती है. That is called as STS multiplexing. Okay? तो ये जो सोनेट नेटवर्क फॉर लोकल मेट्रोपॉलिटन एंड रीजनल नेटवर्क, ये हमने प्रीवियसली देखा था कि रिंग टोपोलॉजी में कैसे हम यूज करते हैं सोनेट नेटवर्क को. ये सपोज इंटर ऑफिस नेटवर्क है, सपोज ये नेटवर्क है, यूजर ये इंटर ऑफिस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करता है, इंटर ऑफिस नेटवर्क एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और ये ट्रिब्यूटरी सिग्नल हम मेन नेटवर्क को हमारे मेट्रो रिंग को कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ EDM. ओके एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर का यूज करके हम ये नेटवर्क को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने ये प्रीवियस सेक्शन में देखा था.
उसकी ये डायग्राम है। तो अब सिमिलरली वी कैन मल्टीप्लेक्स 4 STS3 टू गेट STS12। अगर 3 STS3 अगर हमने कंबाइन किए तो हमें आउटपुट में क्या मिलेंगे, STS12। सॉरी, 4 STS3 अगर कंबाइन किए तो आउटपुट में STS12 मिलेगा हमें, क्योंकि 4 × 3 = 12। और मल्टीप्लेक्स 12 STS1 टू गेट STS12 सिग्नल। अगर 12 STS1 अगर हमने कंबाइन किए तो हमें STS12 सिग्नल मिलेगा आउटपुट में। ओके, तो आप देखेंगे सोनेट नेटवर्क में, सोनेट की मल्टीप्लेक्सिंग में हमने सपोज कितने भी हमारे डिफरेंट जो ट्रिब्यूटरी सिग्नल रहते हैं, मतलब दूसरे सिग्नल जो सोनेट नेटवर्क से जुड़े नहीं है, डिफरेंट सिग्नल से, तो उसका हम मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं और उसको STS1 ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में STS1 के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हम उसकी मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अब ये DS1 सिग्नल है, यहाँ पे लो स्पीड मैपिंग फंक्शन है, फिर मीडियम स्पीड मैपिंग फंक्शन है, फिर हाई स्पीड मैपिंग फंक्शन है, और यहाँ पे भी हाई स्पीड मैपिंग फंक्शन है। तो ये जो DS1 सर्विस है, ये हमने ऑलरेडी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में ये सब्जेक्ट में पढ़ा था। फिर DS2 है, फिर SCFT है, ठीक है, कम्युनिटी फॉर यूरोपियन टेलीग्राम एंड यूरोपियन टेलीग्राफ सर्विसेज जो है, CEPT, तो ये भी सर्विसेज हमने देखा था, डिस्कस किया था। तो इसको अगर सपोज हमने लो स्पीड मैपिंग फंक्शन को इनपुट दिया तो ये तीनों को मिक्स करके, तीनों को मल्टीप्लेक्स करके हमें एक STS1 सिग्नल मिलता है जिसका स्पीड रहता है 51.48 Mbps। तो ये लाइन हम ये मल्टीप्लेक्सर को वन ऑफ द इनपुट देंगे। दूसरा इनपुट जो है इस मल्टीप्लेक्सर को, वो है सपोज हमने DS3 सर्विस इनपुट दिया जिसका स्पीड 44.736 Mbps होता है। अगर हमने मीडियम स्पीड मैपिंग फंक्शन को दिया तो इसको भी हम एक स्टैंडर्ड STS1 सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको हम दूसरा इनपुट दे सकते हैं मल्टीप्लेक्सर को। उसके बाद यह है SCPT4, इसका स्पीड रहता है 139.264 Mbps। तो अब इसका स्पीड जो है वो ये जो STS1 सिग्नल का स्पीड रहता है 51.48 Mbps, इससे ज़्यादा है। ओके, तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम डीमल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पे इनपुट दिया और हमने इसको 3 डिफरेंट आउटपुट में कन्वर्ट किया, STS1, STS1 और STS1, हमने 3 इसमें उसको डिवाइड किया। ओके, और उसमें कुछ उसका स्पीड मैच करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट भी उसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे STS1, 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 3 STS1 है, तो उसका हम एक STS3 यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। ओके, मल्टीप्लेक्स करके। और यहाँ पे है ATM असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड जिसका 150 Mbps स्पीड रहता है, तो उसको भी हम 3 डिफरेंट स्पीड में डिवाइड कर सकते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग करके, हाई स्पीड मैपिंग फंक्शन का यूज करके। 3 STS में हमने उसको कन्वर्ट किया और 3 STS मिला के हमें एक STS3 मिलता है। तो ये सब हमने इनपुट दिया है मल्टीप्लेक्सर को, तो मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट में हमें STSN सिग्नल मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे हमें STS8 सिग्नल मिलेगा एज पर दिस डायग्राम। ओके, सो मल्टीपल डिफरेंट स्पीड के जो ट्रिब्यूटरी सिग्नल रहते हैं वो हम सोनेट नेटवर्क को कनेक्ट करके उनका स्पीड जो है वो लो स्पीड मैपिंग फंक्शन, मीडियम स्पीड मैपिंग फंक्शन या हाई स्पीड मैपिंग फंक्शन का यूज करके हम उसको स्टैंडर्ड STS1 में कन्वर्ट करके उसको उसकी मल्टीप्लेक्सिंग करके हम हायर ऑर्डर का STS सिग्नल यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, जो कि हम फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सोनेट मल्टीप्लेक्सिंग। सो सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क की मल्टीप्लेक्सिंग हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, देन अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो ये सिंपल उसकी डायग्राम है, अ सिंपल नेटवर्क यूजिंग सोनेट। यहाँ पे STS मक्स होता है, सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल। तो यहाँ पे डिफरेंट इनपुट्स रहते हैं, STS मक्स क्या करता है, उसके आउटपुट में हमें STS1, STS2, STS3 ऐसे डिफरेंट STS के सिग्नल मिलते हैं। वो हम रिपीटर को देते हैं, रिपीटर उसका एम्पलीफिकेशन करता है। ओके, उसके बाद उसको एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर को हम इनपुट देते हैं। एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, अगर सपोज हमें कुछ STS सिग्नल ऐड करना है तो ऐड करता है, अगर ड्रॉप करना है तो ड्रॉप भी करता है। वो फिर से
हम रीजनरेटर को देते हैं और रीजनरेटर का आउटपुट फिर से एसटीएस डीमल्टीप्लेक्सर को हम देते हैं, ओके। तो अब एसटीएस मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है उसका डिफरेंस भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो पैरामीटर्स है टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट सिग्नल, एसटीएस मल्टीप्लेक्सर और एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट सिग्नल जो होता है, तो एसटीएस मल्टीप्लेक्सर को इनपुट इलेक्ट्रिकल होता है और उसका आउटपुट ऑप्टिकल होता है। एसटीएस मल्टीप्लेक्सर को जो इनपुट सिग्नल हम देते हैं वो इलेक्ट्रिकल होता है और उसका आउटपुट जो होता है वो ऑप्टिकल फॉर्म में होता है, ओके। और एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर को इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर ऑप्टिकल। एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर को इनपुट भी क्या रहता है, ऑप्टिकल रहता है और उसका आउटपुट भी ऑप्टिकल सिग्नल रहता है। और एक्शन जो है ऑपरेशन, एक्चुअल मल्टीप्लेक्सिंग किसमें होती है, एसटीएस मल्टीप्लेक्सर में एक्चुअल मल्टीप्लेक्सिंग होती है, मतलब जितने इनपुट सिग्नल है वो सब इनपुट सिग्नल कंसिडर किए जाते हैं आउटपुट में एज पर द सिलेक्शन लाइन। और यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग डज नॉट टेक प्लेस इन एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर। मतलब इसमें क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर का कंट्रोल यूज करके या कोई मैनुअल कंट्रोल यूज करके हम किसी एसटीएस सिग्नल को ऐड भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा या ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक के हिसाब से मल्टीप्लेक्सिंग नहीं होती, कुछ सॉफ्टवेयर का कंट्रोल यूज करके हम कुछ सिग्नल ऐड कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं, ओके। सो ये डिफरेंस होता है एसटीएस मल्टीप्लेक्सर और एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर में, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोनेट नेटवर्क, ओके। सोनेट नेटवर्क क्या होता है, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, कौन सी टोपोलॉजी उसमें यूज करते हैं, जनरली रिंग टोपोलॉजी उसमें यूज करते हैं, फिर हाई बिट रेट सर्विसेस एसटीएस मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है वो हमने देखा, कैसे हम डिफरेंट ट्रिब्यूटरी सिग्नल को एसटीएस के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसका मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, ओके, वो सब हमने देखा। उसके बाद उसका डिफरेंस भी देखा हमने एसटीएस मल्टीप्लेक्सर और एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर में क्या डिफरेंस होता है, दैट ऑल्सो वी हैव सीन, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।